लिसन लिसन लिसन, पहले उसे हेलो बोलने दे। उठाया? हेलो हेलो, कौन है भाई? क्या हुआ? काट दिया, बैलेंस खत्म हो गया लगता है उसका। बट था कौन, आवाज किसकी थी? मैडम, कोई लड़की की आवाज थी। लड़की की आवाज? ये कौन है? मींस टू टू कप्स, टू टू टॉवल्स, टॉवल में से विमेन परफ्यूम की स्मेल। और ईशान ऑफिस में था ही नहीं। मिस्टर बिजलानी मुझसे जरूर सही कह रहे थे। अरे देवा, नक्की कुछ तो लफड़ा है। माधुरी, जैसे ईशान बाहर निकलेगा ना, तुम उसे तुरंत पूछ लेना कि ये लड़की कौन है और उसने तुम्हारा फोन क्यों काट दिया। लेकिन मैडम, मैं काहे को पूछूं उनको? आप ही पूछो ना, आपके मर्द है वो। जस्ट डोंट कॉल हिम, जस्ट डोंट कॉल हिम मर्द, आदमी बोलो। आज तो मैं साफ साफ सब पूछ लूंगी। What is all this? I'm his wife. हक बनता है मेरा सब कुछ जानने का? हाँ मैडम, बीबी को सब कुछ जानने का हक होता है। पता है माधुरी, ईशान ने पहले कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। माधुरी, नहीं बोला होगा, लेकिन 100 बात की एक बात बोलू, ये जो मर्द लोग होते हैं ना, उनको बदलने में टाइम नहीं लगता है। आप आज उनसे ठोक बजा के पूछिछ लो। जाती है मैं। पहले मैंने फोन उठाया तो फोन कट कर दिया, पर माधुरी का फोन क्यों कट गया? मींस अरे, अब तक रेडी नहीं हुई तुम? क्या हुआ, डिनर पे नहीं चलना है क्या? अरे मैं पॉज भूल गया, मैं अभी आता हूं। क्या बोलेगा, फिर से झूठ बोल के मुझे चुप करा देगा। लेकिन सच में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ईशान को बहुत बुरा लगेगा कि मैं उस पर ऐसे डाउट कर रही हूं। पहले मुझे पूरी तरह पूरा सच जान लेना चाहिए। यस, फिर सोच समझ के ईशान के साथ सबूत के साथ बात करूंगी। या सुहाना, अरे क्या हो गया, तुम रेडी नहीं हो रही अब तक? चलो जल्दी करो, मैंने टेबल भी बुक करा दिया है। कम ऑन कम ऑन। या आई एम कमिंग। क्या हुआ? अच्छा गिर गया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रजनी दिशा कहाँ है? पता नहीं दीदी कहाँ है, दोनों शायद अपने कमरे में होंगी। वो मैं तो बेलन ढूंढ रही थी ना, मिट्टी के लिए रोटी बनानी है इसलिए। हाँ तो होगा ना यहीं कहीं। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है, ना बेलन मिल रहा है, ना चकला, ना छुरी, पता नहीं सब कुछ कहाँ चला गया। ऐसे कैसे? बड़ी। हाँ बाबूजी। बड़ी, वो छत पर से पौधों के गमले कहाँ चले गए? गमले? हाँ गमले, और वो कपड़े टांगने वाली जो वो रस्सी है ना, वो भी गायब है। क्या छोटे भाभी? हाँ? मुझे पर्दे लगाने हैं, वो मैंने वो रिंग्स होते हैं ना, वो बाहर रखे थे, अभी गायब हैं। आपने उठाए? रिंग भी गायब? मतलब? अरे मतलब ये राधा कि किचन से बेलन नहीं मिल रहा है, छुरी गायब है, परात गायब है, और बाऊजी बता रहे हैं कि छत से गमले गायब है, कपड़े सुखाने की रस्सी गायब है, और अब तुम कह रही हो कि रिंग्स भी गायब। लेकिन गए कहाँ भाई? क्या है ये परात, ये चकला, ये तवा, ये क्या पहन रखा है तुमने इंदर, और ये बेलन, ये सब क्या करोगे क्या इसका? ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये बेलन ही नहीं तलवार भी है। इंदर रानी, रानी प्लीज, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे लिए अनारकली बन जाओ ना। रानी क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा इंदर सलीम का रोल करे और सारे मोहल्ले वाले उसे देखें? हैं प्लीज रानी।
ठीक है ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि सलीम का रोल तुम्हें ही मिले। तुम्हें पता है ना सलीम का रोल पाने के लिए इलेश भी कितनी मेहनत कर रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? सेटअप कर रहा हूँ दिशु, सेटअप। अब हम मुगले आजम का वो सीन करेंगे जहाँ पे सलीम अनारकली के चेहरे पे मोर पंख फेराता है। मोर पंख का है? वो मोर पंख भी है। पहले तुम ना ये फूलों की डाली के नीचे बैठ जाओ अनारकली बनके, और मैं सलीम बनके ये मोर पंख तुम्हारे चेहरे पे फिराऊंगा। अच्छी, दूर रखो इसे। तुम ये धूल साफ करने वाली छड़ी मेरे मुंह पर फिराओगे? दिशु प्लीज मेरी मदद करो ना दिशु, वरना ये रोल ना इंद्र भैया के पास चला जाएगा और मैं ना मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने काबिल रहूंगा ना इस घर में। इलेश तुम ना। दिशु क्या तुम अपने इलेश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और सोचो ना, मैं ना तुम्हें मैं अनारकली बनने के लिए कह रहा हूँ, अनारकली। है ना? ठीक है। तो आ जाओ फिर। ये रही फूलों की डाली और ये रही मेरी अनारकली। बैठ जाओ। एक पॉम्फ्रेट फ्राई, एक प्रॉन मसाला और एक फिश थाई करी और सोना तुम बताओ ना और कोई डिश। तुम मंगा लो, जो तुम मंगाओगे वो मैं खा लूंगी। अच्छा, आज तो मेरा लकी डे है फिर। पर पहले बताती तो लॉटरी का एक टिकट ले आता ना। एक काम करते हैं, एक सुरवई मंगा लेते हैं और साथ में स्टीम राइस। ओके थैंक यू। सुहाना कहाँ खोई हुई हो? अभी भी गुस्सा हूं। सुहाना मैं क्या करता? तुम्हारे दिल्ली चले जाने से मैं कितना लोनली फील कर रहा था, और ऊपर से जब तुमने मुझे बड़े पापा की बात बताई तो मेरी पैरों तरी जमीन निकल गई। इनफैक्ट तुमसे नहीं, मैं सबसे गुस्सा हूं, पूरी फैमिली वालों से गुस्सा हूं। बट एक्सप्रेस तो तुमने मुझसे ही किया, राइट? हाँ सुहाना, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी। खैर एक बात बताओ, इंसान गुस्सा किस पे करता है? जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना? Are you sure तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे? हाँ सोना, मैं कुछ भी तो नहीं छुपा रहा हूं तुमसे। इनफैक्ट सोना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सोना के बारे में। सोना? क्यों, क्या हुआ? वो ठीक है ना? एक काम करते हैं, वीकेंड पे अभिषेक और सोनाली को डिनर पे बुला लेते हैं। अब नो। तुमने सोनाली के लिए मना किया? क्या हुआ? हेलो, तुम लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाउ आई सी, अब मुझे समझ में आया कि चक्कर क्या है। क्या क्या चक्कर है? सोनाली तुम्हें भाव नहीं दे रही ना? आई एम श्योर वो अभिषेक के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है और तुम जेलस फील कर रहे हो। क्या क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम सोना? वरना तुम गुस्सा हो जाओगे और फिर से मुझसे झूठ बोलोगे, राइट?
झूठ? कैसा झूठ? तुम दोपहर तक ऑफिस नहीं पहुंचे थे। मिस्टर मखीजा तुम्हारा 2 आवर्स तक वेट करके चले गए और तुमने मुझसे कहा कि तुम ऑफिस में हो। उस बिजलानी ने कहा तुमसे? मिस्टर बिजलानी ने मुझे कुछ नहीं बताया शाह, मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था क्योंकि तुम्हारा फोन अनरीचेबल था। किसका कॉल? कुछ नहीं, ये बैंक वाले ये इतना परेशान करते हैं। अरे आपको अकाउंट खुलवाना है, लोन चाहिए क्या? मैड अरे भाई साहब कहा ना आपसे कि हमें लोन नहीं चाहिए। हेलो ईशान, आज अभिषेक ने मुझे देख लिया था। क्या? अरे नहीं 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 खुलवाना बाबा, अकाउंट भी नहीं खुलवाना। कट क्यों कर दिया? मुझसे बात करा थे, मैं बात कर लेता। अरे क्यों सुहाना, रिलैक्स, सिर्फ फालतू की छोड़ो ना। सोना तुम थोड़ी देर बैठो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ अकल तमाशा देखती रही और इश्क निगाहों का सहारा लेके अपनी हद से आगे बढ़ गया। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया के हर गोशे को रोशन करती है, खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? क्या रानी तुम ऐसी लाइन बोलोगी? तुम खाना बनाने वाली रजनी नहीं हो, तुम मुगल आजम की अनारकली हो। मुझे एक्टिंग आती है क्या? और वैसे भी रोल तुम्हें करना है या मुझे? अरे तो मूड कैसे बनेगा तुम ठीक से नहीं करोगी तो? यार तो कोशिश कर रही हूँ ना। ठीक से करो ना। तुम ठीक से करोगी तो ही मूड बनेगा ना, नहीं तो इलेश को ये रोल मिल जाएगा। दूर रखो ना इसे प्लीज। मैं पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस गया हूं, अब मुझे मत रोको, बस तुम अपने अनारकली वाले डायलॉग्स बोलो। हाँ। खुदा के लिए साहिब आलम, शहजादगी को रुस्वा ना कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीस। मैं आज बुलंदी और पास्ता की ये दीवार गिराना चाहता हूं। पास्ता नहीं पस्ती, तुम्हें तो फौज में सिपाही का रोल भी नहीं मिलेगा। कुछ भी बोलते हो, ठीक से बोलना भी नहीं आता। दिशु मैं क्या करूं? दिशु देखो ना, इतनी मुश्किल भाषा है, इतने भारी शब्द है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शब्दों पे ध्यान दूं या एक्टिंग पे ध्यान दूं। और तुम मुझे प्रॉम्प्ट भी नहीं कर रही हो। अरे मैं अपने अनारकली के डायलॉग्स बोलूं या तुम्हें प्रॉम्प्ट करूं? तुम एक काम करो इलिश, ये सब भूल जाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम ये रोल इंदर भैया को दे दो। नहीं दिशु नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये सलीम का रोल करके रहूंगा। तो फिर थोड़ा इमोशन डालो ना इलेश। इमोशन? साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया के हर गोशे को रोशन करती है, खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? गुड, वेरी गुड। बस थोड़ा सा नजाकत के साथ, मतलब ऐसे बोलो जैसे जैसे मोम पिघलता है। याद रखो तुम्हारी बातों से सलीम के दिल को पिघलना है। हाँ। हैं? एक बार शुरू। नाटक में हिस्सा कौन ले रहा है? हाँ, नाटक तो मुझे ही करना है। माँ, बड़ी माँ, राधा बुआ, सब मेरे साथ जल्दी चलिए।
कहा लाइव मुगले आजम दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ आइए। मुगले आजम अक्ल तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया के हर गोशे को रोशन करती है, फिर खुद आफताब ने तकलीफ क्यों की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए शहजादगी को रुसवा ना कीजिए साहिब आलम, आप आका है, मैं कनीस। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूं। बैठ जाओ अनारकली। साहिब आलम। अनारकली इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूं। इन्हें ना देखें शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं। भूल जाओ कि तुम्हें कनीज हो, और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जुबां कहने से डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब ना छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अनारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। साहिब आलम, कनीज आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। एक्सक्यूज मी, आप खाना सर्व करिए, मैं अभी आई। थैंक यू। यहां भी नहीं है, मतलब अभी तक वॉशरूम में ही है। हाँ, अरे मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम बाहर मत निकलना, तुम पता है मुझे शक नहीं, मतलब 100% यकीन हो गया है, तुम समझती क्यों नहीं हो? OMG, ईशान तो किसी लड़की से बात कर रहा है। Means, वो कॉल बैंक से नहीं था? हाँ, पर मैंने तुमसे मना किया था ना, और कहा था तुमसे कि तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे कहना। ओके, रिलैक्स, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, जस्ट हैव पेशेंस नाउ। अरे कुछ ही समय में उससे छुटकारा मिल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। छुटकारा? ओ नहीं, हाँ ठीक है, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। नहीं, मैंने सुहाना को अब तक कुछ नहीं बताया, पर तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं निकलोगी। ठीक है। अब रहने दीजिए। हाँ ठीक है, ओके थैंक। अरे क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? अरे वो एक्चुअली वॉशरूम में कोई था ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।